कोरोना गाइडलाइंस किसके लिए? क्या कोरोना सिर्फ गरीबों और कमजोरों को देखकर आता है? क्या कोरोना को मालूम है कि आम पब्लिक को दबोचा जाए और सियासी लीडर को छोड़ा जाए? क्या कोरोना गाइडलाइंस सिर्फ आम आवाम अमल करे और सियासी लीडर इसके धज्जियां उड़ाए? आज कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते सियासी लीडर और उसके कारकुनान को उस वक्त देखा गया जब कांग्रेस के बड़े लीडर मिस्टर सिद्धरामैया ने बसों कल्याण में रोड शो किया। गुलबर्गा एयरपोर्ट पर कांग्रेस कारकुनों की भीड़ जमा हो गई थी, जहां किसी भी कोरोना गाइडलाइन का अता था और ना पता। चेहरे मास्क से खाली थे, सभी एक दूसरे से मिलकर ज़िमनी इलेक्शन के लिए बड़े लीडरान की आमद पर मौजूद थे। हर तरफ अफरा तफरी देखी गई, कोरोना डर के मारे कहीं मुंह छुपाए बैठा था। गुलबर्गा सिटी में हुमनाबाद चेक पोस्ट, अलन चेक पोस्ट, मार्केट सर्कल और दूसरी जगहों पर पुलिस पूरी ईमानदारी से आम पब्लिक को रोककर मास्क न लगाने पर जुर्माना आयद कर रही है। आखिर ये कैसा दोरंगी गाइडलाइन है कि शबे बारात हो या होली का त्यौहार हो, उस वक्त हुकूमत की जानिब से पुलिस को पाबंद किया जाता है कि लोग इबादत गाहों पर ना जा सके, इबादत न कर सके, हालांकि वहां कोई ऐसा काम नहीं हो रहा होता है जिससे हुकूमत की खिलाफ वर्जी हो। लेकिन इलेक्शन के प्रचार करने वालों के लिए कोई पकड़ और पूछताछ नहीं है। एक मजदूर या गरीब ज़रूरत से बगैर मास्क के घर से निकले तो उसे 250 रुपए का जुर्माना आयद किया जाता है, तो दूसरी तरफ सियासी लीडरों के रोड शो में कोई एहतियात नहीं, कोई मास्क नहीं लगाता, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पब्लिक जानना चाहती है कोरोना से सियासी लोगों के रिलेशनशिप है जिसकी वजह से उनको कोई ख़तरा नहीं, आम पब्लिक सिर्फ जुर्माना भरेगी कि मास्क न लगाने से उन्हें बीमारी होती है और सियासी लोग इस बीमारी से महफूज हैं।